हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। चैप्टर नंबर 17 को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टडी आईक्यू की बुक से, जिसका नाम है अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया, तो गांधी जी इन वाई इन इंडिया, ये क्या बाहर पैदा हुए थे या फिर बाहर से आए थे क्या? साउथ अफ्रीका में ये एक टास्क पर गए हुए थे। इनका जाने का वैसे ऐसे कुछ मन नहीं था, लेकिन फिर भी किसी के कहने पर ये गए थे। ठीक है, अच्छा, गांधी जी वैसे इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है, गुजरात में। अभी हम वो सारी कहानी देखेंगे, लेकिन ये गांधी जी की क्या साउथ अफ्रीका में फर्स्ट फॉरेन ट्रिप थी क्या लाइफ में? है श्रेया, कहाँ से? हाँ, लंदन से, इंग्लैंड से पढ़े हैं, बाहर से भी पढ़े हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद नेशनल एक्टिविटी दोबारा से उमड़ रही थी भारत के अंदर, और अंग्रेज़ों की जो भी कॉलोनीज थी एशिया में और अफ्रीका में, वहाँ पर भी इंडिया जो स्वतंत्र होने के लिए जो आंदोलन चला रहा था, अब हम ये नहीं कह सकते कि स्वतंत्रता की आवाज़ जो है वो सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या सारे इंडियंस जो है वो एक साथ रेज कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, कई लोग सेटिस्फाइड थे डोमिनियन स्टेटस को लेकर, कई लोग सेटिस्फाइड थे कि अंग्रेज़ जो हैं वो बस सब कुछ अच्छा करें हमारे लिए तो भी हम खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए था, पूरी तरीके से आज़ादी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण स्वराज। वो डिमांड अभी तक तो नहीं देखी आपने प्रीवियस चैप्टर में, लेकिन अगर आप देखो, आप तो उस चैप्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कवर कर आए हो अभी रिसेंटली, है ना शायनी, लास्ट हमने वही टॉपिक कवर करा। लेकिन हम थोड़ा सा शायद पीछे जा रहे हैं, स्टेप बैक कर रहे हैं, कि इस दौरान राइटर आपको ये बता रहा है कि 1915 में एक महान पर्सनैलिटी हमारे भारत में एंटर करते हैं, जिनके आने से अंग्रेज़ों के सामने हमारे डिमांड रखने का तौर तरीका, वॉयलेंस को अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए, इस चीज़ को लेकर डिबेट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का अब एक नया रुख, और उस नई तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट को चलने की एक जो कमान है, जो लगाम है, वो एक पर्सन ने अपने हाथ में संभाल ली थी, जिनका नाम था M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैं कमान क्यों कह रहा हूँ कि इन्होंने संभाल ली थी, आप जानते हो जितने भी टॉप के जो कैरिस्मेटिक लीडर्स थे वो या तो बाहर चले गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, किसी को फांसी हो गई थी, कोई एक्टिव पॉलिटिक्स से रिज़ाइन कर दिया, और कुल मिलाकर वो अब सब बूढ़े हो चले थे, है ना। अब एक नई सोच, नई दिशा इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें देखने को मिले, इसका एक स्पेस था, इसका एक वैक्यूम था, वो वैक्यूम को फिल करेंगे गांधी जी। तो इंडिया की जो मूवमेंट थी आज़ादी की लड़ाई अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इसको एक प्रोत्साहन मिलता है, इट गॉट अ बूस्ट विद द अराइवल ऑफ M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जब ये पॉलिटिकल सिनेरियो में एंटर करते हैं। अब जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी इंग्लैंड से, तब ये जानते थे किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत। बाहर भी इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना फेस करना पड़ा था जब ये इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, अपनी लॉ की पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे थे। भारत में जब ये आते हैं अपनी लॉ वगैरह की पढ़ाई कंप्लीट करके, तो कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते एकदम से पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए। लेकिन वही चीज़ होती है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, डेस्टिनी विल ऑलवेज टेक यू टू दैट डायरेक्शन फॉर विच यू आर डेस्टाइंड टू, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, कुदरत, आपकी किस्मत आपको वहाँ उस दिशा में ले जाएगी। और ऐसे ही इनको एक दिन एक पर्सन अप्रोच करते हैं कि देखो यार, तुम यार काफ़ी पढ़े लिखे हो, तुम कानून के बारे में बहुत कुछ जानते हो, और कुछ हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं ज़रा प्रॉब्लम में साउथ अफ्रीका में, तो तुम ज़रा मेरे कहने पर चले जाओ। कुछ दिनों का टास्क होता है
और ये सालों वहां पर लगाकर आ जाते हैं, बहुत कुछ ये सीखते हैं साउथ अफ्रीका में। जो इनकी साउथ अफ्रीका में लर्निंग थी, इट वॉज अ नेट प्रैक्टिस, इट वॉज अ नेट प्रैक्टिस गेम फॉर गांधी जी देयर। वो उनकी कोर लर्निंग्स थी। अब साउथ अफ्रीका भी उस टाइम पर किसकी कॉलोनी था? ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत वो काम कर रहा था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया, वो भी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत जो है वो काम कर रहा था, मतलब उसकी कॉलोनी था। इन सब चीजों के चलते गांधी जी ने जो भी साउथ अफ्रीका में लर्न करा उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। और जब उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी तो मासेस का सपोर्ट इनको काफी ज्यादा देखने को मिला और इनके रिजल्ट्स काफी फ्रूटफुल रहे थे। भारत के अंदर भी ऐसा नहीं था कि एकदम से जब ये साउथ अफ्रीका से लौट कर आ रहे हैं तो एकदम से ही वॉज इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल सिनेरियो और समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी आपको पता है भारत के अंदर इनको जिन्होंने फेमस करा वो पर्सनैलिटी थे राजकुमार शुक्ला। मैंने आपको एक वैल्यू एडिशन लेक्चर देखने को बोला था, ठीक है, आप उसको देखो तो आपको पता लगेगा कि गांधी को गांधी किसने बनाया, गांधी जी को फेमस किसने कराया, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सीन में। तो वो था राजकुमार शुक्ला, अ स्मॉल शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिहार। तो गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, या शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एमके गांधी, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में एट पोरबंदर इन गुजरात। इन्होंने अपनी लीगल एजुकेशन यानी कि लॉ की पढ़ाई को कंप्लीट करा था ब्रिटेन में, और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका जाते हैं टू प्रैक्टिस लॉ एज एन एस्पायरिंग बैरिस्टर। गांधी जी जो थे वो शुरू से ही इंस्पायर्ड रहते थे बाय अ हाई सेंस ऑफ जस्टिस एंड दस वॉज वेरी रिपल्स बाय द इनजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन एंड द डिग्रेडेशन टू विच इंडियंस रिसाइडिंग इन साउथ अफ्रीकन कॉलोनीज वर सब्जेक्टेड टू। इस वजह से भी वो चले जाते हैं, उनको ये चीज़ सुनकर महसूस कर कर कभी अच्छी नहीं लगती थी कि लोग जो हैं वो कानून के बारे में जानते नहीं हैं, जबकि कानून में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। तो जो भी अन्याय होता है लोगों के खिलाफ, जो भेदभाव होता है, जिस भी तरीके से लोगों को डिग्रेड करा जाता है, तो कानूनी हक की अपनी लड़ाई लड़कर उन राइट्स को पाया जा सकता है, बस लोग जो है उससे अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए ये चले जाते हैं उस टास्क पर साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो अराउंड द ईयर 1893, जब ये सिर्फ महज 24 साल के थे, ही स्टार्टेड द स्ट्रगल ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका हु वर सब्जेक्टेड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो वन मोर एस्पेक्ट ऑफ गांधीज आउटलुक वॉज दैट ही वुड नॉट सेपरेट थॉट एंड प्रैक्टिस बिलीफ एंड एक्शन। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, थोड़ी सी एथिकल चीज़ है, थोड़ी सी फिलोसफिकल चीज़ है। ये क्या है, जो हमारा GS पेपर 4 है, जो हमारा GS पेपर 4 है, उसके अंदर आपके सिलेबस का एक पार्ट है, ये दो चीजें। एटीट्यूड, ठीक है, प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस। यहां पर जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, तो आपको गांधी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे पेपर 4 के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। कोई कोटेशंस आ सकती है, उनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है, ऐसा होता है बहुत बार। अब ये जो चीज है,
ये हम पढ़ेंगे यहाँ से, जिसके लिए मैं आपको बेस जो आपको प्रिपेयर करवा के दूंगा वो यहाँ से प्रिपेयर करवा के दूंगा। ये आपका एक चैप्टर होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि एथिक्स प्रिपेयर कैसे करनी है। एथिक्स के लिए आपको आपकी साइकोलॉजी और फिलॉसफी का ही कॉम्बिनेशन होता है आपका एथिक्स जीएस पेपर 4, जो इसका कोर कंटेंट होता है, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इस चैप्टर को पढ़ के ना आप लोगों के व्यवहार को, सामाजिक सामाजिक रवैये को काफ़ी हद तक समझ पाओगे। जनरल बातें लाइफ से रिलेटेड आप सीख पाओगे और आपको पता लगेगा हाँ ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा हमने दूसरों को भी करते हुए देखा है। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज आती है, दो वर्ड होते हैं, कॉन्ग्रुएंट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड इनकॉन्ग्रुएंट चेंज ऑफ एटीट्यूड। यहां पर क्या लिखा हुआ है, गांधी जी का आउटलुक ये भी था कि वो अपने विचार को अपने प्रैक्टिस से कभी अलग नहीं करते थे, जो वो सोचते थे वही उनका एक्शन होता था। देखो क्या लिखा हुआ यहां पर, कॉन्ग्रुएंट चेंज ऑफ एटीट्यूड तब होता है वो इंसान का इफ इट मे चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। आप जो चीज सोच रहे हो ना आप वही चीज प्रैक्टिस में भी लेकर आते हो। आपके एटीट्यूड में किसी प्रकार की इनकॉन्ग्रुएंसी नहीं है, कोई डेविएशन नहीं है, आपका एटीट्यूड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड से फायदा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड से फायदा क्या होता है, आपको जो एथिकल कंसर्न्स या एथिकल डायलेमास होते हैं ना वो नहीं होते कभी भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में। जैसा आप सोचते हो अगर आप वैसे ही बिहेव करते हो, आपके वही एक्शंस हैं, आपको कभी भी इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता एथिकल कंसर्न्स एंड एथिकल डायलेमास का। क्योंकि जो मेरी बिलीफ है वही मेरे एक्शन है और मेरे एक्शन मेरी बिलीफ के ऊपर निर्धारित है। मैं मन में कुछ और सोच रहा हूं, एक्शन कुछ और कर रहा हूं, मतलब हूं कुछ और, दिखा कुछ और रहा हूं, वो चीज हमेशा इंसान के अंदर एक डायलेमा क्रिएट करती है। आप जब किसी से किसी बात को लेकर सच नहीं बोल पाते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ वो उस सिचुएशन में आप एक इनकॉन्ग्रुएंसी का सामना कर रहे हो। मन के अंदर आपको पूरी सच्चाई पता है, जबान पर आपके वो लफ्ज नहीं है सामने वाले से बोलने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर एक डायलेमा की सिचुएशन क्रिएट होती है कि यार मुझे कितना झूठ बोलना पड़ रहा है और किस हद तक बोलना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, गांधी जी को इस प्रकार का कभी कोई डायलेमा नहीं था। उनको जो सही लगता था वो बोल देते थे, जो गलत लगता था वो बोल देते थे। अब वो वाली बात दूसरों को पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन वो अपने अंदर डायलेमा नहीं रखते थे। उसी के कारण क्या होता था कि वो बोल्ड एक्शन ले पाते थे। हमें उनकी किताब, उनकी ऑटोबायोग्राफी एक्सपेरिमेंट माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ से एक चीज़ जानने को मिलती है। वो ये बोलते हैं अपनी बुक में कि एक इंसान के अंदर, ये सरकार के अंदर, इंसान के अंदर तो नहीं, सरकार के अंदर जब भी किसी बोल्ड डिसीजन को ना, मतलब पूरा ना कर पाने की या फिर वो बोल्ड स्टेप को ना ले पाने की जो जो क्षमता होती है
उसकी जो कमी देखने को मिलती है वो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जिसको हम लोग कहते हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ की वजह से होती है कि आपके थॉट और प्रैक्टिस में, आपके बिलीफ और एक्शन में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, आप डायलेमा फेस कर रहे हो, आपको रिपरकशन से डर लगता है, आपको दोनों रास्ते सही और दोनों रास्ते गलत लगते हैं। तो इंसान के अंदर जब इस प्रकार की महाभारत चलती रहती है तब वो कभी बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता। लाइफ में आप एक ऐसे पॉइंट पर फंसे हुए हो, आपको पता है कि अगर आपने कुछ और स्टेप लिया, या कहीं पर भी, जैसे मतलब मान लो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी A to Z, अगर आप एक हल्का सा भी किसी और रास्ते पर जाते हो, कुछ भी, जिसकी वजह से किसी को अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, कुछ भी है, लेकिन अगर आप यहां से जाते हो तो आपको एग्जाम से हाथ धोना पड़ेगा। उसके लिए बहुत एक कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर की आवश्यकता है कि आप बोल्डली वो चीज बोलो, फेस करो, या अपने माइंड को क्लियर रखो। आप सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है, हर फेज की ये बात होती है। 12th के जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं तो ऑब्वियस ये बात है, आप उस टाइम पर कहीं घूम फिर नहीं रहे थे, आप कोई ये फंक्शंस और शादी अटेंड नहीं कर रहे थे आप दूसरों की, आप जब फंक्शन और शादी अटेंड कर रहे होते हो उस दिन, ऑब्वियस ये बात है, आप वो तभी जाते हो जब, जिस दिन आपको कोई एग्जाम नहीं होता है, बिकॉज यू वॉन्ट टू गो फ्री। लेकिन ये तो हो गई छोटे छोटे इवेंट्स। जो बड़े इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, जिसका रिपरकशंस या जिसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम तक हमारे साथ जुड़ा रहे, वो हमारे अंदर ही डायलेमा क्रिएट करते हैं। दो ऐसे रास्ते जिसमें आप खुद कंफ्यूज हो, यार दोनों सही भी लग रहे हैं, गलत भी लग रहे हैं, यार इसको खुशी देने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, वो बुरा ना मान जाए, या फिर मुझे बुरा ना लगे, या सामने वाले को बुरा ना लगे। एक तरफ मेरा करियर है, एक तरफ मेरे बोल्ड डिसीजंस हैं, मुझे जॉब ही कंटिन्यू अपनी करनी चाहिए, या फिर किसी और चीज़ की तरफ जाना चाहिए, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर एक डायलेमा क्रिएट करती हैं। उसका एक तरीका होता है, हम उसके अंदर एक अपने बिहेवियर के अंदर कॉन्ग्रुएंसी कैसे ला सकते हैं, उसके भी तरीके होते हैं। एक बहुत प्यारा कंसेप्ट एक ये भी होता है, कर्नल ऑफ ट्रुथ का, कर्नल ऑफ ट्रुथ। ये इसके अंदर क्या होता है, आप कभी कभार कुछ स्टीरियोटाइप्स होल्ड करके रखते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि बड़े सारे लोग जो हैं वो इसी तरीके का सोच विचार रखते हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। अगर सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या मेजॉरिटी जनसंख्या किसी भी चीज को लेकर यस 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 करे जा रही है, तो आपको लगता है इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते, तो मैं भी यस बोल देता हूं, जबकि आपका वो आइडिया, वो विचार था नहीं। गांधी जी के अकॉर्डिंग ये भी एक प्रकार की इनकॉन्ग्रुएंसी क्रिएट करता है आपके अंदर। आप सही हो, करोड़ों लोगों का प्रेशर भले ही हो आपके ऊपर, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाली बात आपको अपनी आगे रखनी चाहिए, आप अगर सही हो ना, तो आप इस चीज की चिंता मत करो कि लोगों को क्या लगेगा, क्या बुरा लगेगा। आपकी इंटेंशंस अगर सही हैं, इंटेंशन सही होने के बावजूद भी अगर आप ये सोचते हो कि किसी को क्या बुरा लगेगा, तो आप खुद अपने डिसीजन से स्टेप बैक करके सामने वाले को खुशी देने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो आप हमेशा जिंदा लाश बनकर जियोगे कि काश उस टाइम पर एक हल्का सा स्टेप उठा लिया होता, यार ये आज की जो मेरी सिचुएशन है तो थोड़ी सी डिले भी करी जा सकती थी, लेकिन यार वो वक्त हाथ से निकल गया यार, और वो आपको रोज मारेगा। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, ऐसा गांधी जी का भी कहना था। ठीक है, ये छोटा सा मैंने आपको सीन पोर्ट्रे करा आपको एथिकल डायलेमास एंड एथिकल कंसर्न्स का। ये तो सिर्फ गांधी जी के साथ कनेक्शन में मैंने आपको बताया, GS Paper 4 में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और ठीक है, इसकी वैसे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लेकिन मैं आपको फिर भी फ्रेश तरीके से प्रिपेयर करवा दूंगा। ये पूरे के पूरे चैप्टर की बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग है, मैंने कशिश को ये प्रिपेयर करवाया था लास्ट ईयर, ये वाला चैप्टर, जब मैं उसको GS Paper 4 पढ़ा रहा था, तो मैंने कशिश ने, आई थिंक आशिमा भी थी, मुझे नहीं पता, कशिश तो पक्का थी,
उसको मैंने चैप्टर प्रिपेयर करवाया था बहुत अच्छे से, ठीक है, तो मैं आपको भी अच्छे से बताऊंगा। तो इससे आपका ना ये वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा एटीट्यूड और ये वाला एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये कवर हो जाएगा इससे आपका। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ यंग गांधी इन साउथ अफ्रीका 1909। 1909 में भारत में उस टाइम पर क्या चल रहा था, कौन से रिफॉर्म्स आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन से रिफॉर्म्स, वेरी गुड, मॉरली मेंटोर रिफॉर्म्स। ये जितना ज्ञान दिया श्रेया मैंने, ये समझ में आया आपको, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, मतलब अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल चीज़ें एकदम से जान पाओ, एथिकल चीज़ें, लेकिन फिर भी ये वाली बात रियल लाइफ में भी होती है ना। आप कुछ करना चाह रहे हो और किसी और सिचुएशन में भी फंसे हुए हो अगर, तो लगता है ना कि पता नहीं दोनों रास्ते सही भी लग रहे हैं गलत भी लग रहे हैं, और क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, रिग्रेट ना हो, बस यही डर लगता है ना एक ही बात का। कौन समझ सकता है करंट दुविधा को, है ना, हमसे बेटर, सही बात है। अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। एक बात याद रखना दोस्तों, बुक कुछ भी कहती रहे, बुक कुछ भी कहती रहे, आप ये देखो मैं बहुत सोच समझ कर हर एक स्टेप यूज़ करता हूँ। अराइवल ऑफ गांधी, मैंने जब अभी आपको PDF भेजी है, मैं कभी नाम चेंज नहीं करता किसी चैप्टर का, मैंने क्या लिखा है, अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया। ये ना छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपकी मार्क्स कटवा सकती हैं, ठीक है। मैं कभी, आप किसी भी चैप्टर को जाकर देख लो, किसी भी सब्जेक्ट के, मैं कभी कोई नाम चेंज नहीं करता किसी का, अगर दा लिख रखा है तो मैं दा भी यूज करता हूँ, लेकिन यहां पर मैंने अराइवल ऑफ गांधी ना लिख के पूरा यूज करा है, अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन ये आपका एक साल बचवा देगी, मार्क्स कटते हैं इन सब चीजों के, पता है, फादर ऑफ द नेशन की आपको रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर ना आप मतलब देखो हंसी मजाक एक पर्सनल लाइफ में करना, या फिर कोई टॉपिक जो है उसमें किसी पॉलिटिकल लीडर्स की खिल्ली उड़ाना, अंबेडकर की बेइज्जती करना, गांधी की बेइज्जती करना, गांधी को लाइक ना करना, वो सब चीज़ें ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के जब आप पार्ट होते हो तो आप ये नहीं कर सकते हो। अब कोई एक प्रधानमंत्री कितना भी पॉलिटिकल ग्रज रखे एक गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ, लेकिन फिर भी गांधी जयंती पे राजघाट जाकर उनको फूल माला तो चढ़ानी ही पड़ेगी जनता को बताने के लिए। कोई पॉलिटिकल लीडर शायद से इतना बेवकूफ होगा कि वो SC कमेटी के वोट बैंक को खो देगा इलेक्शन से जस्ट पहले अंबेडकर के खिलाफ स्पीचेस देकर, या फिर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़वाकर। वो अलग बात है, अगर गांधी जी की बातों को हम समझें श्रेया, तो वो भी एक इनकॉन्ग्रुएंट चेंज ऑफ एटीट्यूड है, अगेन वो एक डायलमा वाली बात है ना, कि आपके जो थॉट और प्रैक्टिस है, बिलीफ और एक्शन है, वो अलाइन नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर आपकी पर्सनल एजेंडा की बात आ जाती है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना कि गांधी जी लिखना, ये सिर्फ गांधी ही लिखने से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं 1898 में। अब साउथ अफ्रीका समझ जाना, शुरुआत की कहानी देखो मैंने आपको क्लियर कर दी है। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, अपनी लॉ की पढ़ाई ब्रिटेन से कंप्लीट करी थी, ठीक है, वापस आते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, और इनको हमेशा से कंसर्न था कि इंडियंस का किस तरीके से शोषण होता है ब्रिटेन की अलग अलग कॉलोनीज में, ठीक है, और भारत के अंदर अगर ये लॉ इंग्लैंड से पढ़कर आए भी हैं, ये चाहते तो इंग्लैंड रह सकते थे लेकिन फिर भी अपने देश वापस आना चाहते थे, ये यहां पर अपनी लॉ की पढ़ाई को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं। एक लॉयर, अच्छा लॉयर तभी बनेगा अपनी सिर्फ ये किताबों का ज्ञान पढ़कर नहीं, उसको प्रैक्टिस कर, 15-20 किताबें पढ़कर डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है यार, प्रैक्टिस करके बताओ,
ऑपरेशन, तभी तो वो एक अच्छा डॉक्टर होगा कि नहीं होगा। एक अच्छा डॉक्टर श्रेया सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ पढ़कर, अगर उसने वो गोल्ड मेडल हो तो वो एक अच्छा डॉक्टर है, सिर्फ किताबी ज्ञान अगर उसके पास, वो तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना हर चीज के लिए। अब आप पढ़ पढ़ के आईएएस बन गए तो क्या किसी को भी पकड़ के रोड पे चालान काटने लगोगे? उसका पावर्स के बारे में पता तो होना चाहिए ना, लवासना क्यों बनाया गया है। अब यहां पर वो एक अपॉर्चुनिटी सर्च कर भी रहे थे वैसे तो, कि यार मैं कैसे ना कैसे करके जो अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर कर आया हूं उसको मैं कम से कम इंप्लीमेंट कर सकूं। तो क्या होता है, गांधी जी जो है ही रीच साउथ अफ्रीका इन 1898 इन कनेक्शन विद द केस इन्वॉल्विंग इस क्लाइंट। क्लाइंट का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो पर्सन होगा गांधी जी के जीवन में जिसकी रिक्वेस्ट पर गांधी जी साउथ अफ्रीका जाएंगे। ये एक प्रकार से गांधी जी के जीवन में फरिश्ता था, क्योंकि अगर ये गांधी जी को साउथ अफ्रीका नहीं भेजता ना, गांधी जी बहुत सारी चीजें वहां पर लर्न कर कर नहीं आ सकते थे, और जो उन्होंने वहां पर सीखा वही उन्होंने आगे चलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब कमान संभाली, या फिर पहला उनका जो टास्क था इंडिया के अंदर कौन सा, चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स का इशू याद है, एक के बाद एक उनको जो सक्सेस मिलती चली गई वो साउथ अफ्रीका में करे हुए होमवर्क की वजह से थी, और यही गांधी जी को दूसरे लीडर से एक अलग चीजें बनाती हैं। कई लोग कहते हैं कि गांधी जी ने बना बनाया सेटअप जो है उसको यूज करा, बिल्कुल बना बनाया सेटअप था। इतने सारे जो अभी तक हम जो ये जो लीडर्स पढ़कर आए हैं, होम रूल मूवमेंट के लीडर्स, गदर पार्टी के लीडर्स, स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, इन सारे लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है अंग्रेजी हुकूमत के उस पेड़ को काटने में। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गांधी जी यहां पर आए और उन्होंने बस पेड़ को टच करा, उस पे 100 कुल्हाड़ी मारने की जरूरत थी तो 99 पड़ चुकी थी और गांधी जी ने बस उसको टच करा वो गिर गई। गांधी जी ने जो भी चीजें साउथ अफ्रीका में सीखी उससे उनको ये पता लगा कि अंग्रेजी हुकूमत को कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है। मॉडरेट्स की अप्रोच ठीक तो है, लेकिन मॉडरेट जो है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ है, उनको यही नहीं पता कि अंग्रेजों का कानून अंग्रेजों के खिलाफ कैसे यूज करना है। ये चीज गांधी जी ने पकड़ ली थी बहुत अच्छे से। प्लस मासिस का सपोर्ट किस तरीके से होना चाहिए और मासिस का सपोर्ट लेना कैसे है, ये भी गांधी जी को बहुत अच्छे से पता था। और यहीं पर वो इवेंट्स आ जाते हैं कि जब जब गांधी जी को लगता रहता है कि मासेस आर नॉट रेडी फॉर द पॉलिटिकल मास स्ट्रगल, तब वो उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते थे, क्योंकि उनको पता था ये पुलिस के हाथों लगे ना तो ये बहुत पीटे जाएंगे। और फिर उनके अंदर, इनके हिंदुस्तानियों के अंदर जज्बा खत्म हो जाएगा दोबारा कभी भी किसी आंदोलन का पार्ट बनने के लिए। तो किसके कहने पर ही जाते हैं साउथ अफ्रीका, नाम था पर्सन का दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला तो ही विटनेस द अगली फेस ऑफ वाइट रेसिज्म एंड द ह्यूमिलेशन विच वॉज फेस्ड बाय एशियन स्लेवरर्स। गांधी जी जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में रहेंगे इंडियन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि वो उनको सक्षम बना सकें टू फाइट फॉर देयर राइट्स। एंड ही स्टेड देयर टिल 1914, आफ्टर विच ही रिटर्न टू इंडिया। उनको लगा था कुछ दिनों का काम है, कुछ हफ्तों का काम है। 1898 में जाते हैं, ठीक है,
और वापस कब आते हैं? वापस कब आते हैं? 1915। कितने साल? कुछ हफ्तों के प्रोजेक्ट पर गए थे और 17 साल वहां पर रुक गए ऑलमोस्ट। 1915 में तो आई जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फिर उस साल को प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, मनाते हैं। तो साउथ अफ्रीका में क्या हालात थे? भारतीय मूल के कुछ लोग साउथ अफ्रीका में गए थे और साउथ अफ्रीका उस टाइम पर एक कॉलोनी था अगेन ब्रिटिशर्स की। तो इंडियन इमिग्रेशन टू साउथ अफ्रीका ये 1819 से शुरू हो गया था, व्हेन द वाइट सेटलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका हैड रिक्रूटेड इंडेंचर्ड इंडियन लेबर मेनली फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया। हमारे देश में दक्षिण भारत से लोग जो हैं वो वहाँ पर ले जाए जा रहे थे उनके प्लांटेशंस में, शुगर प्लांटेशन में काम करवाने के लिए। तो लोग चले गए कि इंडिया में वैसे ही काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पर चल पड़ते हैं और क्या पता हम इससे अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें और अच्छा कमाई का साधन जो है वो हमें मिलेगा। अंग्रेज़ों ने मतलब बहुत सारे सपने दिखाए। तो अंग्रेज जो थे अपने इन शुगर प्लांटेशन शुगर मिल्स के बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, बड़े सारे इंडियंस को लेबर बनाकर लेबर के तौर पर प्लांटेशन में काम करवाने के लिए ले जाते हैं यहाँ से। तो इन द क्वेस्ट टू मैनेज दीज बिजनेसेस मैनी इंडियन मर्चेंट्स केम ऑन द सीन एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंगिंग टू द मेमन मुस्लिम कम्युनिटी। और भी लोग वहां पर यानी कि आ जाते हैं साउथ अफ्रीका में, अलग अलग इंडियन कम्युनिटीज के लोग। द अदर ग्रुप्स ऑफ इंडियंस डेट वर प्रेजेंट प्रायर टू गांधी जीज अराइवल इन साउथ अफ्रीका वर एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स, जो कि साउथ अफ्रीका में ही सेटल हो गए थे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था, और उनके जो बच्चे थे वो साउथ अफ्रीका में ही पैदा हुए थे और बड़े हुए थे। इनमें से किसी भी ग्रुप के पास अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छी जिंदगी, इन सब का कोई एक्सेस नहीं था। मतलब वहां पर वो साउथ अफ्रीका के अंदर ही पैदा हुए हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर ही वो जो हैं रह रहे हैं, और वो एक्स इंडेंचर्ड लेबर ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी अब तो वो साउथ अफ्रीका की धरती का ही पार्ट है। तो नन ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ इंडियंस हैड एक्सेस टू गुड एजुकेशन और इवन द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इवन द वेल्दी मर्चेंट्स न्यू ओनली इंग्लिश टर्म्स इनफ टू हेल्प देम मेक ट्रेड डील्स। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, हम लोग जो इंडियंस हैं जो साउथ अफ्रीका में जो रह रहे हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इस टाइम पर जो साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे हैं। इंडेंचर्ड इंडियन लेबर, ये दक्षिण भारत से ले जाए गए लोग थे हु हैड माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका आफ्टर 1892 वर्क ऑन शुगर प्लांटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। द मर्चेंट्स मोस्टली मेमन मुस्लिम्स हु हैड फॉलोड द लेबरर्स, जो कि लेबरर्स के पीछे पीछे गए, एंड द एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स, ये वो लेबरर्स थे जो कि वहीं पर अपने बच्चों के साथ अपने घर परिवार के साथ सेटल हो गए थे, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका में, जब इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया था इनको इंडिया आना था लेकिन उन्होंने सोचा हमें साउथ अफ्रीका में ही रहना चाहिए। तो हिंदुस्तानी क्या प्रॉब्लम फेस करते थे साउथ अफ्रीका में? दे वर डिनाइड द राइट टू वोट, वोट करने का कोई अधिकार नहीं था इनको, इनको रेगुलर बेसिस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, एंड देवर मेड टू पे अप पोल टैक्स, देवर स्टॉप्ड इनहिबिटेड फ्रॉम लिविंग वेयर एवर दे विश टू। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी रह सकते हैं, उनके लिए डेफिनेट एक कॉलोनीज, एक हाउसिंग सोसाइटी ऐसी बनाई गई थी जहाँ पर कंडीशंस बहुत पैथेटिक हुआ करती थी। देवर कन्फाइंड टू रिसाइड इन प्रिस्क्राइब लोकेशन, जो कि उनके लिए निर्धारित करी गई थी, विच वर हाईली इनसेनेटरी एंड कंजेस्टेड, भरी हुई थी, कोई साफ सफाई नहीं होती थी और कंडीशंस बहुत बेकार थी। साउथ अफ्रीका के कुछ कुछ एरियाज में एशियंस एज वेल एज अफ्रीकन्स देवर प्रिवेंटेड बाय अ कर्फ्यू ऑफ 9 PM एवरी डे, ये घर के बाहर नहीं जा सकते हैं रात को 9 बजे के बाद, और देवर नॉट अलाउड टू यूज पब्लिक फुटपाथ, कि ये वहां पर नहीं चलेंगे। क्यों?
बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी ने यहां पर इंडियंस की दिक्कत तो सॉल्व करवा दी थी, लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फिर भी यहां पर काफी सारे सालों तक रहा था। और आगे चलकर कौन होते हैं वो पर्सन, साउथ अफ्रीका के दिग्गज नेता, जो कि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जिसको साउथ अफ्रीका में एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, जो कि हम लोग क्लास सिक्स से पढ़ते हैं, क्या कहते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या बोलते हैं? याद आया श्रेया? मेडिटेशन, अपार्थिड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो वो चीज फिर नेल्सन मंडेला ने पूरी तरीके से खत्म करी साउथ अफ्रीका में आगे चलकर, ना, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, ब्लैक गांधी। गांधीयन मेथोडोलॉजी ही फॉलो करी थी ना नेल्सन मंडेला जी ने, या फिर वो एग्रेसिव थे? अपनी अप्रोच में ऐसा कुछ था, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं थे ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।